हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल का मेन उद्देश्य क्वालिटी कॉमर्स कंटेंट को आसान भाषा में हर बच्चों तक पहुंचाना है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना न भूलें और कॉमर्स से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे पार्टनरशिप अकाउंटिंग में नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना करना। जब नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से लेता है अर्थात क्रय करता है। लास्ट वीडियो में हमने बताया था जब नया साझेदार अपना हिस्सा लेकर के आता है और ये जो है अपना हिस्सा जितना जितने के लिए आया है उतना वो पुराने साझेदारों से किस प्रकार कितना कितना खरीदता है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। दीपक एवं सुनील तीन संबंधे दो के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। वे श्रीकांत को 1/4 हिस्सा देकर प्रवेश देते हैं, मतलब वो श्रीकांत को 1/4 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, जिसे वह 2/12 दीपक से और 1/12 सुनील से खरीदता है। नया लाभ विभाजन अनुपात परिकलित कीजिए अर्थात गणना कीजिए। अब यहां पे देखिए दो साझेदार पहले तो दीपक और सुनील थे, तो यहां लिख लेते हैं हम दीपक और सुनील का अनुपात। तीन संबंधे दो है यानी दीपक का जो भाग होगा 3/5 और जो सुनील का होगा 2/5। ये 5 कहां से आया, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। अब ये अपने अपने हिस्से से सेक्रीफाइस करेंगे, मतलब जो खरीद रहा है श्रीकांत 2/12 दीपक से और 1/12 सुनील से, तो ये अपने अपने हिस्से में से श्रीकांत को दे देंगे, तो वही उसका हिस्सा 1/4 है। तो यहां पर अब इसका नया अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दीपक का और सुनील का। चलिए देखते हैं, दीपक का नया अनुपात बराबर, देखिए पुराना अनुपात कितना है 3/5। अब इसमें से ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब 2/12 भाग किसको दे रहे हैं, श्रीकांत को दे रहे हैं, तो घटा दीजिए इसमें से 2/12। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 60 आएगा, फिर 60 में हम 5 से देंगे भाग, जब भाग देंगे तो आएगा 12, 12 में 3 का मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 36। फिर उसके बाद देखिए 60 में 12 से भाग देंगे 5 आएगा, अब 5 का गुणा करेंगे 2 में यानी कि 10, ये हो गया कितना 26/60। उसी तरह देखते हैं सुनील का नया अनुपात, सुनील का नया अनुपात, तो यहां पे सुनील का जो अनुपात था 2/5 का था पुराना वाला, अपने पास से कितना दे रहे हैं श्रीकांत को 1/12, ऐसे में इसका भी 60 ही होगा। अब देखिए यहां पे 60 में हम 5 से भाग देंगे, आएगा 12 × 24 -5 यानी 19/60। अब यहां पे ये तो दीपक का और सुनील का नया अनुपात आ गया और जो श्रीकांत है नए साझेदार है उनका तो 1/4 दिया ही गया है। यहां हम लिख भी लेते हैं श्रीकांत का अनुपात बराबर 1/4। अब इसको हमें बराबर करना है, मतलब तीन साझेदार हो गए दीपक सुनील श्रीकांत, अब इसको हम रेशियो को कर देंगे बराबर। चलिए देखते हैं, देखिए दीपक सुनील श्रीकांत, दीपक का कितना है 26/60, सुनील का कितना है 19/60 और श्रीकांत कितना है 1/4। अब इसको हमें बराबर करना है, तो एलसीएम तो इसका 60 हो जाएगा, अब यह 60 में जब 60 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 26 में तो आ जाएगा 26, फिर इसी तरह यहां पे 19। अब यहां देखिए 60 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, अब 15 का 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 15, तो यानी जो नया अनुपात होगा नए साझेदार के आने के बाद मतलब श्रीकांत के आने के बाद वो होगा 26/19/15। ये था हमारा नया लाभ विभाजन अनुपात
जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से अपना हिस्सा खरीदता है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल का आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ही बना हुआ है। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।